नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूँ दिव्या राय। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का ऐलान। अमित शाह ने कहा, प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी बीजेपी। 18 दिसंबर को राज्य के नए सीएम बनेंगे धूमल। बिहार जेडीयू में फूट, दो बड़े नेताओं ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक ने नीतीश कुमार को बताया दलित विरोधी। राम मंदिर पर मुगल वंशज ने किया मध्यस्थता करने वाले श्री श्री रविशंकर का समर्थन। प्रिंस हबीबुद्दीन बोले, श्री श्री की कोशिशों से सुलझ सकता है सबसे बड़ा मुद्दा। चेन्नई में बाढ़ का खतरा गहराया। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का दिया आदेश। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। निफ्टी में देखी गई 28 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स 53 अंक गिरकर हुआ बंद। और दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव। कोर्ट ने चुनाव में अध्यक्ष बने प्रफुल्ल पटेल को भी हटाया। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुख करेंगे आज की बड़ी खबर पर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को अपने पाले में करने के सपने देख रही कांग्रेस को झटका लगा है। दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने राहुल गांधी से अभी मिलने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब भी वो मिलेंगे तो सबके सामने मिलेंगे। अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली में आज दलित नेता जिग्नेश मेवानी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन जिग्नेश ने इन खबरों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया कि उन्हें अगर मिलना होगा तो वो खुले में मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने खबर दिखाए जाने से नाराज होकर कहा कि कृपया ये खबर दोबारा मत चलाना कि आज हम राहुल से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से हम अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दलित समाज को देने वाले फायदे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए मिलेंगे। इस दौरान जिग्नेश ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिलने जुलने की खबर छोड़िए, आप ये दिखाइए कि 22 साल में गुजरात की जनता को क्या मिला। वहीं जिग्नेश के इस बयान पर कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि जिग्नेश सही कह रहे हैं, जब तक पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट ना करे तब तक कैसे कोई मुलाकात कर ले। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी दलित समाज के बड़े नेता हैं। उन्हें ऊना आंदोलन के दौरान पहचान मिली थी। ऊना में कथित गौरक्षकों द्वारा 4 दलित युवकों की पिटाई के बाद जिग्नेश ने पूरे गुजरात में पदयात्रा कर दलितों को एकजुट करने का काम किया था। जिग्नेश मेवानी की दलितों में अच्छी पकड़ है। आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में करीब 21% SC और ST है। जिग्नेश मेवानी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव हुआ तो लाजमी है कि सियासत भी वहीं ज्यादा गर्माएगी। जहां एक दलित नेता ने कांग्रेस को झटका दिया है तो वहीं बीजेपी के लिए भी कोई खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि टिकट बंटवारे से पहले ही पार्टी में कलह मचनी शुरू हो गई है। दरअसल वगोडिया तहसील से बीजेपी के बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव के खिलाफ बीजेपी के ही कुछ नेता खड़े हो गए हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि इस बार मधु श्रीवास्तव को टिकट ना देकर किसी और पर दांव खेला जाए। इसके चलते उनको पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया गया। इस पर भड़कते हुए 5 बार से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते आए बाहुबली विधायक ने खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि चंद लोग मुझे हटाने पर तुले हैं, मगर मेरी खुली धमकी है कि अगर वो बास नहीं आए तो मैं उनको शहर छुड़वा दूंगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे संबंध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं, इसलिए मेरा टिकट काटने की किसी की औकात नहीं। आपको बता दें कि मधु श्रीवास्तव इससे पहले 2002 के बेस्ट बेकरी केस के वक्त चर्चा में आए थे। उन पर इस मामले की प्रमुख गवाह जाहिरा शेख ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात के साथ चुनाव हिमाचल में भी है, जहां आज बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी ने चुनावी मैदान में वीरभद्र सिंह को टक्कर देने के लिए 10 साल तक राज्य की कमान संभालने वाले प्रेम कुमार धूमल को मैदान में उतारा है। सियासत तो दिल्ली की भी गर्म है, जहां पार्टी से निलंबित विधायक अमानतुल्ला खान की वापसी के बाद अब सीएम केजरीवाल और कुमार विश्वास में ठन गई है। खबर है कि वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से किनारे लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी में शुरू ही कलह बढ़ती जा रही है। लगभग 6 महीने बाद अमानतुल्ला खान की वापसी से शुरू हुए विवाद में आज एक और मोड़ तब आ गया जब पार्टी ने कुमार विश्वास का नाम राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल नहीं किया। आपको बता दें कि पार्टी की हर साल होने वाली बैठक में विश्वास ने मंच संचालन किया था। मैं विश्वास का कहना है कि पार्टी ने उनका नाम वक्ता की लिस्ट से भी काट दिया है। वह अब एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही बैठक में जाएंगे। इसके साथ उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सियासी साजिश बताया। कुमार विश्वास के मुताबिक दिल्ली में होने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये सारा प्रपंच किया गया है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कुछ लोगों में उनके बढ़ते कद को लेकर नाराजगी है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके दुश्मन नहीं चाहते कि फरवरी में होने वाले राज्यसभा चुनाव में वह किसी सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। डीवी लाइव की रिपोर्ट। वहीं अब अगली खबर राम मंदिर विवाद पर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने विवाद को सुलझाने की पहल करते हुए आशिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख वसीम रिजवी से मुलाकात की। रिजवी ने उम्मीद जताई है कि श्री श्री की मध्यस्थता से निश्चय ही यह मुद्दा सुलझ जाएगा। करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या शहर में ही बनना चाहिए। इसके लिए शिया वक्फ बोर्ड आपसी समझौते के पहलू तैयार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड नहीं चाहता कि राम जन्मभूमि पर कोई भी नई मस्जिद बने। वो नहीं चाहते कि राम के नाम पर कोई लड़ाई हो। कुछ मौलवियों को छोड़कर सभी शांतिपूर्वक विवाद को सुलझाना चाहते हैं। भले ही शिया वक्फ बोर्ड श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता पर खुशी जता रहा हो, लेकिन हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है। हिंदू महासभा का कहना है कि श्री श्री को इसमें मध्यस्थता का अधिकार नहीं है। साथ ही महासभा ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। हिंदू महासभा ने यह भी आरोप लगाया है कि श्री श्री रविशंकर राम मंदिर मामले में जब पक्षकार ही नहीं है तो वह कैसे मध्यस्थ बन सकते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात चालाक चीन की। डोकलाम विवाद के बाद अब चीन भारत को परेशान करने के लिए एक और योजना बना रहा है। खबर है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने पर विचार कर रहा है और इसके लिए उसके इंजीनियर्स 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक चीन अपने शिनजियांग प्रांत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग ने इसके लिए 100 से ज्यादा इंजीनियरों की एक टीम भी गठित कर दी है, जिसने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरंग के बनने से शिनजियांग प्रांत कैलिफोर्निया की तरह आबाद हो जाएगा, लेकिन भारत के उन हिस्सों में पानी की बेहद कमी हो सकती है जहाँ वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी से पानी पहुँचता है। पर्यावरणविद भी इस बात से बेहद चिंतित हैं, क्योंकि इसमें कई हिमालय क्षेत्रों को खतरा पहुंच सकता है। उनका मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं और यह कदम इस हिमालयी क्षेत्र के लिए काफी भारी पड़ सकता है। वैसे चीन लंबे वक्त से भारत और बांग्लादेश को भरोसा दिलाता रहा है कि उसके बांध बनाए जाने से इन देशों के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्यावरणविद इसे हकीकत नहीं मानते। चीन की ये योजना कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह नदी के बीच में एक आइलैंड भी बनाना चाहता है जहां कई तरह के प्रयोग किए जाएंगे, साथ ही सुरंग से जुड़ा काम भी करेगा। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी करीब 2900 किलोमीटर लंबी है। यह हिमालय के कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और चीन से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह बांग्लादेश होती हुई समंदर में मिलती है। भारत में यह 900 किलोमीटर से अधिक लंबी है और बेहद अहम भी है। माना जाता है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उसका कारण भी चीन के द्वारा हिमालयी क्षेत्र में की गई छेड़छाड़ ही था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।